बंदिस्तान हाफिज हफीज रहमान ने सूबाई हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर दी और कारकर्दगी पर मबनी किताब की रोनमाई भी की। इन्होंने कहा कि 24 जून को आईनी मुद्दत पूरी हो रही है, मुद्दत पूरी करने के साथ साथ अवाम से किए गए वादे भी पूरे करके जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद अमन का क्याम सबसे पहली तरजीह थी और आज गिलगित बल्तिस्तान एशिया का सबसे पुरान खत्ता बन चुका है। शोबा तालीम, शोबा सेहत, शोबा तामीरात, पावर सेक्टर समेत दीगर इदारों में मिसाली कारकर्दगी दिखाई। महकमा पुलिस में इसलाहत, GPRSP का क्याम, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्याम, मॉडल पब्लिक स्कूल का क्याम, गिलगित सिकरदू रोड, गिलगित अस्तौर रोड, गिलगित नलतल एक्सप्रेस वे का आगाज, रेस्क्यू 1122 का क्याम, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए खसूसी बजट मुख्तस करके इन्हें फाल बनाया गया। इन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को पहली मरतबा MRI मशीन, मोबाइल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, अमराज कल्ब अस्पताल, कैंसर अस्पताल दिया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, 18,000 मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और रेगुलराइजेशन, पीने के साफ पानी के मनसूबे, बिलासूद कर्जों की फराहमी समेत हजारों मनसूबों पर काम किया गया। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का क्याम, KIU कैंपस हंजा, KIU कैंपस रिजर्व, KIU कैंपस GMR का क्याम अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली मरतबा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया गया जो कि इंतहाई कामयाब रहा। अब 12 अरब का ट्रैफिक पुलिस प्लान मंजूर किया जा चुका है। एफआर प्रोजेक्ट के तहत 4,000 कनाल जमीन आबाद की गई जिस पर फसल भी लग चुकी है, जिससे हजारों खानदानों को जमीन तक सड़क, जमीन की आबादकारी के लिए पानी के फराहमी समेत रोजगार के मौके मिले हैं। इन्होंने कहा कि हमने इकतदार संभाला तो गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद 160 थी, आज 570 है। पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 580 थी, यह तादाद आज 2180 तक पहुंच चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मजीद 80 डॉक्टर्स को भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद 650 तक पहुंच जाएगी। इन्होंने कहा कि गैस की फराहमी के लिए एयर मिक्स प्लांट मनसूबे के लिए मशीनरी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुकी है। इसकी तामीर में मुकामी तौर पर भी रुकावटें खड़ी की गई और वफाक ने भी रोड़े लटकाए। इन्होंने कहा कि इस मनसूबे समेत 32 MW पावर मनसूबा हंजा, 28 MW गवाड़ी और गिलगित खवातीन कॉलेज को PSDP से वफाक की तरफ से निकाला गया, जो कि खत्ते के अवाम के साथ दुश्मनी है। खवातीन कॉलेज को भरपूर मजामत के बाद हमने दोबारा PSDP में शामिल करवाया, लेकिन दीगर मनसूबे शामिल नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में क्याम आमद समेत तामीर और तरक्की में पाक फौज, सरकारी इदारों के सरबराहान, दीगर मुलाजमीन समेत सिक्योरिटी इदारे, उलमाए कराम, मीडिया का नुमाया किरदार है। दुआ है कि अमन की ये फिजा कायम रहे। इन्होंने कहा कि हम पर कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान में फतवे लगा रहे और धमकियां भी दी जा रही हैं। आज से कबल भी हमारे कुछ दोस्तों, जिनमें सर फहरिस्त जाफरुल्लाह खान और सलामत जान हैं, इन पर कातिलाना हमले भी हुए। हम में से किसी को कुछ हुआ तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो फतवे और धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नई आने वाली हुकूमत पर कोई बोझ डाल के नहीं जा रहे, बल्कि कोरोना के तदारुक के लिए 50 करोड़, हेल्थ एंडोमेंट फंड में 50 करोड़ और सोशल वेलफेयर में 25 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नई आने वाली हुकूमत पर कोई बोझ डाल के नहीं जा रहे हैं, कोरोना के तदारुक के लिए 50 करोड़, एंडोमेंट फंड में 50 करोड़, सोशल वेलफेयर में 25 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं। हमने हुकूमत संभाली तो उससे पहले आने वाली हुकूमतों के दौर में सिर्फ 7 अरब का बजट हुआ करता था, हमने इसको 68 अरब तक पहुँचा दिया और अब जाते जाते हम 68 अरब 68 करोड़ 29,57,000 रुपए का बजट पास करके जा रहे हैं। तारिक हुसैन, बादशुमार TV।